नमस्कार। सबसे कॉमन क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग में, लोग मुझे जानते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग अप्रॉक्स 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, कैसे फास्ट सीख सकते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग लें, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेशंस कहाँ से करें। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है। तो मैं उसके लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इट्स अ टू वर्ड्स, डिजिटल एंड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग था, मार्केटिंग है और मार्केटिंग रहेगा। मार्केटिंग इज डिजिटल इज वन मोर मीडियम। अभी टीवी लोग देखते थे तो टीवी पे मार्केटिंग होती थी, न्यूज़पेपर देखते थे न्यूज़पेपर में मार्केटिंग होती थी। जहां पे भी आपके ऑडियंस हैं, जहां पे भी आपके कस्टमर्स हैं, जहां पे भी पॉपुलेशन है, पब्लिक है, भीड़ है, मार्केटिंग वहां होती है। तो आज की डेट में सारे के सारे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक पे, गूगल पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बट ऑब्वियस है, मार्केटिंग जो है वो टीवी और न्यूज़पेपर और टेलीकॉलिंग और होल्डिंग्स और पैम्पलेट्स और इन सारी चीजों से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के डिजिटल मीडियम पे चली गई है। सो इट्स मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रीचिंग आउट टू द पीपल। दो लोग किसी आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या अपने बारे में किसी और को बताने का एक मीडियम चाहिए, राइट? सो ये डिजिटल इज एक और मीडियम है, इट्स नॉट द ओनली मीडियम। ट्रेडिशनल मीडियम भी है, ट्रेडिशनल मीडियम में आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा है तो डिजिटल मीडियम में उसका फायदा ले सकते हैं। डिजिटल मीडियम में बहुत स्ट्रांग है तो ट्रेडिशनल मीडियम में उसका फायदा ले सकते हैं। तो दीज आर टू कंप्लीमेंटिंग थिंग। बट आप अगर अब बिल्कुल नए हैं, स्टार्ट करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कोई, देर आर सो मेनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं, टैक्टिक्स हैं, टिप्स हैं, तो वो तो आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगी। सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक चीज जो मुझे समझ में आती है डिजिटल मार्केटिंग में, वो ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वन इशू, वन प्रॉब्लम। कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को आपको अपने कस्टमर का सॉल्व करना है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। नाउ यू आर यूजिंग दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, उसके लिए आप एक डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं। तो इजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इज स्टार्ट विद अ ब्लॉग। एक फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर लीजिए, फ्री ब्लॉग टम्बलर पे स्टार्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉगस्पॉट पे स्टार्ट कर सकते हैं, लाइव जनरल, देर आर सो मेनी, विक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप एक फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड वर्डप्रेस, मेरी एक्सपर्टीज, मेरा नॉलेज वर्डप्रेस में है। तो वर्डप्रेस में आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वेबसाइट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेबसाइट अगर किसी में बनी है तो वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो आप भी एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं एंड कीप दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन माइंड। लेट्स सपोज आई वांट टू प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो लोगों को डिजिटल मीडियम पे अपना प्रेजेंस कैसे बनाना है, ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, यूजर्स से कनेक्ट कैसे करना है, एंगेजमेंट कैसे करनी है, लीड कैसे जनरेट करना है, दिस इज द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व। सो आई विल टॉक, मैं उस ब्लॉग में इस प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के बारे में लिखूंगी। इन द सेम वे आप फैशन पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्किन केयर पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, आप हेयर केयर पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, आप वाटर प्यूरिफायर पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जहां पे भी इंटरनेट पे, जहां जिस भी टॉपिक पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट कर दें। एंड योर माइंडसेट शुड बी दैट यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जब आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, उस ब्लॉग पे आपको वेबसाइट का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, उस पे उसका एसईओ करेंगे, मींस उसको गूगल में विजिबिलिटी, उसके उस वेबसाइट को गूगल की विजिबिलिटी के लिए पे काम करेंगे तो एसईओ समझ में आ जाएगा, उसके लिए गूगल एड्स चलाएंगे तो गूगल एड्स समझ में आ जाएगा, उस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, आपके यूजर उस वेबसाइट पे आके क्या कर रहे हैं, तो उस एनालिटिक्स इंस्टॉल करेंगे तो एनालिटिक्स धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आप उस वेबसाइट से अगर ईमेल, सब्सक्राइबर्स की ईमेल इकट्ठा कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग सीख लेंगे। उस वेबसाइट की विजिबिलिटी आप सोशल मीडिया पे कराना चाहते हैं, या सोशल मीडिया से वेबसाइट पे और वेबसाइट से सोशल मीडिया पे ट्रैफिक एक्सचेंज करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की का नॉलेज हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी योर ब्लॉग। आप ब्लॉग से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू आर अफ्रेड ब्लॉग से स्टार्ट नहीं करना है तो एटलीस्ट स्टार्ट, पिक एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। फेसबुक आप ले लो, फेसबुक पेज बना लो, फेसबुक पेज पे स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यूट्यूब आप ले लो, यूट्यूब पे कीप अपलोडिंग द वीडियो, यूट्यूब पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर वेबसाइट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं पिक वन प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 100 words to 1000 words, मिनिमम 100 words डेली और मैक्सिमम 1000 words डेली रिगार्डिंग वॉट,
किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्टेंट जनरेट करना शुरू करेंगे। दिस इज अ जर्नी यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग। सो इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अभी आगे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी बताऊंगी, बट आई इन्वाइट यू कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करें। आई विल शेयर अ व्हाट्सएप ग्रुप इन द कमेंट बॉक्स और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं इस तरह की चीजें रेगुलर बताती रहती हूँ। तो वेलकम टू दैट ग्रुप ऑफ डिजिटल सीकर्स। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।